स्वागत है आप सबका मनी कैम क्लासेस में। और आज का जो क्लास होने वाला है वो केवल क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो था कि जो आपके लीगेंड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो जब तक आपको लीगेंड्स ही पता नहीं है कुछ, तब तक आप ना तो आयुपैक नेम की तरफ जा सकते हैं और ना ही उनकी आइसोमेरिज्म्स की तरफ जा सकते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिलता है उसका आयुपैक लिखना होता है, या फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिलता है जिसका आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, या फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि उसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो जो पहली इसेंशियल थिंग है वो क्या है, वो है ये कि आपको कुछ लीगेंड्स तो पता ही हो जो इंपॉर्टेंट लीगेंड्स हैं। तो आज की क्लास में आपको केवल मिलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगेंड्स और साथ में उनकी डेंटिसिटी, कि वो मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट मीन्स दो से भी ज्यादा उनके पास में डोनर एटम प्रेजेंट है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं कि मोनोडेंटेट क्या होते हैं, ऐसे लीगेंड जिनके पास केवल और केवल एक डोनर एटम होता है विद अ लोन पेयर, और जो बाईडेंटेट होते हैं ये जो बाईडेंटेट्स लिखे हैं इनके पास में दो डोनर एटम्स होते हैं। बट कुछ स्पेशल केसेस भी पाए जाते हैं जहां पर दो डोनर एटम होने के बाद भी वो केवल एक ही चीज से जुड़ता है, या फिर केवल एक डोनर एटम आपको दिखाई देता है बट मेटेलिक साइज की, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साइज की वजह से वो ज्यादा ही क्या कर जाता है, ज्यादा एटम से जुड़ जाता है, तो उनकी डेंटिसिटी चेंज हो जाती है। तो पहले नंबर पे तो आपको जो ऊपर नोट लिखा हुआ है आईडी का आईडो, ये तो केवल नाम बोलने के लिए है। मैं केवल आपको एग्जांपल लिखने वाला हूं मोनोडेंटेड के एक तरफ, बाईडेंटेड के एक तरफ, जो स्पेशल केसेस हैं वो एक साथ, और एक पॉलीडेंटेड में हेक्साडेंटेड लिगेंड्स आते हैं। एडीटीए सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है आपका, इसकी बात पिछले वीडियो में भी हुई थी बट इसका स्ट्रक्चर जो था वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ था। तो उसका स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, क्या कर सकता है वो लिगेंड ये बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है उसमें जितने भी आपके हैलोजंस आते हैं F- Cl- Br- I- मीन्स ये सारे हैलोजन्स FCl Br I, ये सारे के सारे माइनस लगे हुए हैं, तो माइनस लगे हैं तो फ्लोराइड इनका नाम होता है, फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। तो जब इनका आप नाम बोलेंगे इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसा लिगेंड, तो आप इस फ्लोराइड को ये जो आइड है इसे किस में बदल देंगे, आइडो में बदल देंगे। मीन्स इसका नाम बोला जाएगा फ्लोराइडो, Cl- का क्लोराइडो, Br- का ब्रोमाइडो, और I- का आप अपने आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि FCl Br I के बाद एक और होता है At, तो At आपका जो होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, इसलिए उसे हैलोजन की कैटेगरी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो पहले तो मोनोडेंटेड में आपको ये चारों याद रखने हैं, F-Cl-Br-I-Ido Br-Bromido Chloride and Fluoride, क्लियर। दूसरा जो आता है आपका वो आ गया आपका OH-, ये भी ऐसा लिगेंड वर्क कर सकता है बिकॉज ऑक्सीजन के पास में अभी भी लोन पेयर है। और क्या होती थी लिगेंड, व्हाट आर लिगेंड, एनी एटम, एनी आयन, एनी ग्रुप, एनी मॉलिक्यूल विच हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, जिसके पास कम से कम क्या होता हो, एक लोन पेयर होता हो, वही आपका क्या होता है, लिगेंड होता है, क्लियर। तो OH- भी ऐसा लिगेंड वर्क कर सकता है। अगला जो आता है आपका ऑक्साइड, अगर आपके पास में O2 पर डबल माइनस लगे हैं तो ऑक्साइड भी आपका ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड वर्क करेगा। अब O2 पर डबल माइनस, सॉरी ये पर ऑक्साइड हो जाएगी बिकॉज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज होगी, तो पर ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। SO4 डबल माइनस, अब यहां पर दिखाई तो देता है कि ऑक्सीजन के पास भी हैं आपके क्या है, लोन पेयर्स हैं, बट केवल सल्फर इसका एक्ट करता है एज अ डोनर एटम, तो इसका नाम क्या है, सल्फाइट, इसका नाम क्या है, सल्फाइट। तो सल्फाइट को देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने नोट लिख दिया है, मैं आपको आयुपैक जब पढ़ाऊंगा तब पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है, किसके नाम के आगे आपको क्या नाम लगाना है, क्लियर। उसके बाद में आ जाता है आपका NH2, सबको पता है एमाइड ग्रुप होता है NH2, और NH2 पर माइनस हो एमाइड है, तो आइड का आइडो करना है ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पर आइड का क्या करना होता है, आइडो, तो इसका नाम हो जाएगा एमाइडो, क्लियर। अब आगे आते हैं N3-, तो अगर N पर 3- लगे हुए हैं तो ये एजो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन जब भी आता है ये एजो ग्रुप होता है, तो इसे एजाइड बोल देंगे। Cn-, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, स्टार मार्क करिए इसको, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। Cn- साइनाइड होता है, तो साइनाइड का नाम हो जाएगा आपका साइनाइडो, क्लियर। अब आगे आते हैं NO2-, ये भी वर्क कर सकता है ऐसा लिगेंड, और ये एम्फीबियन लिगेंड है, एम्फीबियन मींस विच, एम्बीडेंटेड लिगेंड मींस इट हैव मोर देन टू डोनर एटम्स बट इट इज कनेक्टेड विद वन डोनर एटम एट वन टाइम, क्लियर। इसके पास डोनर एटम तो हैं एक से ज्यादा बट एक बार में ये केवल एक ही से जुड़ सकता है। तो अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नॉर्मल सा नाइट्राइड है, बट अगर हाँ ये ओ से जुड़ा है तो इसे इस तरीके से शो किया जा सकता है, ONO मींस तब ऑक्सीजन से मेटल जुड़ा होगा, और अगर नॉर्मल NO2 लिखा है तो क्या होगा, ये नॉर्मली नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, क्लियर। उसके बाद में एक और था ऐसा ही SCN,
क्लियर। और इसके पास भी दो होते थे, HCN खुद होता था तो सल्फर से अटैच हो सकता था और किससे हो सकता था, NCS मींस किससे अटैच हो सकता था, नाइट्रोजन से अटैच हो सकता था। तो ये जो इतने लिगेंड आपके पास लिखे हैं तो आपको कंप्लीटली याद कर ले, मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी है ये, और इसमें जितने भी हैं सारे एक ही एक एटम से जुड़ते हैं। क्लियर। अब बात आती है बाइडेंटेड की, तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बाइडेंटेड लिगेंड आपका आता है वो आता है ऑक्सिलेटो, सी डबल ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ माइनस, इसे ऑक्सिलेटो बोलते हैं। क्लियर। अगला जो आता है ईन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए, इसके बिना भी काम नहीं चलना, और आइसोमेरिज्म की तो ब्रह्मास्त्र होने वाली है आगे चल के ये। तो ईन मीन्स इथाइलीन डाइएमीन, इथाइलीन मीन्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड डाइएमीन मीन्स NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। दो नाइट्रोजन, अब साफ दिख रहा है कि दो नाइट्रोजन हैं और दोनों नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। मींस ये कैसा लिगेंड होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड होने वाला है जो दोनों नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल एटम को अपने लिगेंड्स क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। क्लियर। तो ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो का। अब इथाइलीन डाइएमीन आगे, इसके बाद क्या प्रोपाइलीन डाइएमीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्पेशल केस को बाद में देखते हैं। प्रोपाइलीन डाइएमीन तो CH3 CH2 CH2, अब अगर यहां पर लगा हुआ है एक NH2 और यहां पर लगा है एक NH2, तो कार्बन आइटम कितने आ गए, तीन, तो प्रोपाइलीन डाइएमीन, ब्यूटाइलीन डाइएमीन भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो आपका आता है इथाइलीन डाइएमीन। क्लियर। अब इसके बाद में अगला जो आपका आएगा वो कौन होगा, बाइपिरिडीन, इसका नाम लिखा मिल सकता है आपको BPY, बाइपिरिडीन। अब पिरिडीन क्या होती है, पहली बात तो पिरिडीन एक मोनोडेंटेड लिगेंड में आएगा। पिरिडीन क्या होती है, C6H5 का एंड वन नाइट्रोजन, मींस वन बेंजीन रिंग एंड वन N इज कनेक्टेड विद दिस रिंग। क्लियर। ये होती है पिरिडीन। तो बाइपिरिडीन मींस दो पिरिडीन रिंग, दो पिरिडीन रिंग मींस कुछ ऐसा, ये जो आपका बन के आएगा ये क्या होगा, आपका बाइपिरिडीन हुआ करेगा। तो यहां पर भी दो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन के पास में एक एक लोन पेयर है, क्योंकि ये एक और एक ही वैलेंसी अपनी क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा, तीन वैलेंसी, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर एग्जैक्ट बचा होगा। मीन्स ये दोनों ही नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ कोऑर्डिनेट कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क करके रखिए। अब इतने तो हो गए ये, अब ये जो बाइपिरिडीन है इतने देखिए जो भी लिखे थे इनमें न्यूट्रल भी थे, एक और रह गया मोनोडेंटेड में, एक और रह गया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख रहा हूं साफ साफ दिखे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब एक लोन पेयर तो इनके पास भी है और इनके बिना भी काम नहीं चलना है, तो कार्बन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती है। और जो आपके आता है NH3 हो गया, अमोनिया, एक आपका लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में बच रहा है, मींस ये भी ऐसा लिगेंड वर्क कर सकता है। PH3 नाइट्रोजन के ही ग्रुप का तो है, फास्फोरस, बाहर तीन ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ओवरऑल पांच इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे वैलेंस, तो ये भी तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक लोन पेयर तो अभी भी इसके पास बच रहा है, मींस ये भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है एज अ लिगेंड। एक और आता है C6H5 का होल थ्राइस प्राई, और पी मींस फास्फोरस, C6H5 मींस फेनाइल ग्रुप, तो पूरा नाम क्या होगा, ट्राई फेनाइल फॉस्फीन, क्या होगा पूरा नाम, ट्राई फेनाइल फॉस्फीन, और इसमें भी फास्फोरस के पास में क्या बचा हुआ होगा, एक लोन पेयर बचा होगा, मींस ये भी एस अ लिगेंड वर्क करेगा। क्लियर। अब इतने तो हो गए, ये आ गए सारे मोनोडेंटेड लिगेंड जितने भी इंपॉर्टेंट है। FClBri साथ में याद करो, FClBri OH- आयन, O2 मींस पराक्साइड, SO4- NH2- और N3- मींस एजाइड, एजो ग्रुप। क्लियर। CN- बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पैक कर लो, साइनो ग्रुप। क्लियर। उसके बाद आता है NO2, NO2 में ऑक्सीजन और अटैच हो सकता है, ONO, पिरिडीन भी वर्क कर सकती है, C6H5N, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया भी कर सकते हैं, PH3 भी कर सकती है, और C6H5 का होल थ्राइस पी भी कर सकता है। अब लास्ट बचती है बात हेक्साडेंटेट की, और इसके बारे में तो पहले पिछली वीडियो में बताया था कि अकेला एक ऐसा लिगेंड है जो अकेला जुड़ता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसका पूरा नाम क्या है भाई, EDTA का पूरा नाम इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आ गई एथाइलीन। अब चाहिए डाइएमीन और उसके साथ में चाहिए टेट्रा एसीटेट, तो डाइएमीन का मींस दो नाइट्रोजन और टेट्रा एसीटेट मींस CH2 CO- CH2
सी डबल ओ माइनस, यहाँ भी सी एच टू सी डबल ओ माइनस और यहाँ भी सी एच टू सी डबल ओ माइनस। तो देख लीजिए भाई आपके पास में छह एटम ऐसे पड़ रहे हैं जिनके पास लोन पेयर है, उधर के चारों ऑक्सीजन जो सी डबल ओ माइनस लगा उनके चारों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से केवल तीन बॉन्ड बने हुए हैं, मीन्स नाइट्रोजन के पास भी अभी भी क्या है एक एक लोन पेयर बाकी है। तो इसके पास छह ऐसे एटम है जिनके पास लोन पेयर बाकी है और जो क्या कर सकते हैं अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम की तरफ कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। तो ये लिगेंड किस कैटेगरी का हो गया, हेक्साडेंटेट हो गया। और इसके बाद में एक बात बहुत अच्छी याद रखनी कि अकेला ऐसा लिगेंड है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है अकेला। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद करिए किसकी डेंटिसिटी कितनी है, कौन सा किस डेंटिसिटी का है, कितने आयन आपके पास में, कितने ऐसे एटम है जो कि अपने लिगेंड को क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्लियर? तो फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को रोकेंगे और जो अगला वीडियो आपका आएगा वो होगा आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार हट जाता हूं पूरा बोर्ड आपके लिए साफ हो जाए। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, पढ़ते रहिए और हाँ शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, वहां तक पहुंचाइए जहां के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तुरंत पहुंचाइए इस वीडियो को। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।